हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बनाएंगे गाजर मटर की चटपटी मसालेदार सब्जी, जो खाने में बड़ी ही टेस्टी होती है और उसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको गाजर मटर की सब्जी कैसी लगती है, क्या आपको अच्छी लगती है या आप खाते हो, तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके चैनल राज किचन रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और इस गाजर मटर की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम किया हमने, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, करछी तेल डाल दिया है। तेल आप अपने हिसाब से यूज़ में ले सकते हो, मुझे तो बिना तेल के मज़ा नहीं आता है। तो सिंपली इसके अंदर डाल देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक टेबल स्पून डालने के राई दाने, थोड़ा सा तड़का लगने देंगे, बस हल्का सा तड़का लगते इसमें डाल देंगे। ये हमने लिए है 6 से 7 कलियां ली थी लहसुन की, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है गोल गोल, ये भी डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से तड़का लगने देंगे हम। ये लहसुन हो गया हमारा अच्छे से फ्राई, गोल्डन ब्राउन हो गया ये। सिंपली इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग, एक छोटी चम्मच, और सिंपली डाल देंगे हमारी गाजर। ये गाजर लिए हमने 300 ग्राम गाजर लिए, जिसको इस साइज से हमने काट लिया अच्छे से धोकर छील कर, वो भी इसमें डाल देंगे। और ये हमने लिए 150 ग्राम मटर, ये मटर हमने सफल मटर नहीं लिए, ये जो अभी ताज़ी मटर आ रही है वो मटर लिए, वो डाल देंगे। और ताज़ी मटर ही यूज़ करें आप, गाजर मटर बनाया जब तो अच्छे से इसको एक बार मिला लेंगे हम। अच्छे से मिलाने के बाद में हम सिंपली इसमें डालेंगे नमक। नमक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक डालने से गाजर और मटर जल्दी गल जाएगी। तो एक छोटी चम्मच डालेंगे इसमें नमक, सिंपली डालेंगे 200 ml पानी, हल्का सा इसको मिला लेंगे हम। और मिलाने के बाद रख देंगे इसको ढककर, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे हम ढककर पूरे 5 मिनट के लिए। पूरे 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेते हैं हमारा, काफ़ी पानी जल चुका है। एक बार मिला लेंगे, गैस मीडियम फ्लेम पर रखी थी, हाई फ्लेम पर कर देंगे। सिंपली एक गाजर हमारी देख लेंगे, ये गल गई है क्या, ये देखिए गाजर हमारी अच्छे से गल गई है। तो गाजर गल जाए तो यानी कि मटर भी उबल गई है। सिंपली इसमें डालेंगे हम टमाटर, ये हमने लिए देसी टमाटर, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं आपको, ये हरे टमाटर, ये देखिए ये इस तरीके से, और देसी टमाटर है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 टमाटर लिए थे हमने रफली काट के, डाल दिए इसमें, मिला लेंगे हम हल्के से। टमाटर मिलाने के बाद डालेंगे इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च इसमें ज़्यादा डलेगी, क्योंकि एक्चुअली जो गाजर होती है वो मीठी होती है। और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। नमक हमने शुरू में थोड़ा कम डाला था, मिला लेंगे। तो फ्रेंड अच्छे से मसाले मिला लिए हैं, गैस कर देंगे हमारी ज़रा हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसको बीच में इस तरीके से सेट कर देंगे हैं। और फाइनली लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो पूरे 2 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे रखे हुए, हटा लेंगे ढक्कन, अच्छा सा कलर आ गया है देखिए, और तेल भी उभर के आ गया। इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ काफ़ी सारा धनिया, और मैंने प्याज यूज़ नहीं किए सब्जी में। आप प्याज डाल सकते हो, लेकिन आप उसे लंबी लंबी काटें, बारीक ना काटें। तो मिला लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये गाजर मटर की हमारी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी होती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और सर्दियों में गाजर आती है और बना के खाएँ आप, आपको मज़ा आएगा। और कॉमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को ज़रूर आपके अनुभव गाजर की सब्जी के, क्योंकि एक्चुअली मीठी होती है, कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो पहले हम एक्चुअली सर्विंग बोल में हमारी गाजर की मटर की सब्जी निकाल लेते हैं। तो गर्मा गर्म खाएंगे हम इसको पराठे के साथ, हमने बनाए हैं पराठे इसके साथ के लिए, मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाया है उसे खाकर खत्म करते हैं।